नमस्कार दोस्तों, स्वामी देवता जी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ वह है शत्रु से छुटकारा। मात्र एक नींबू से आप कैसे अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं, कैसे आप किसी शत्रु को अपने जीवन से कांटे की तरह निकाल कर कंकड़ की तरह दूर फेंक सकते हैं, कैसे महाप्रचंड शक्तिशाली टोटके की बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। याद रहे कि इस वीडियो को अंत तक देखें, संपूर्ण जानकारी ही किसी कार्य को सफल बनाने में सक्षम होती है और आधी अधूरी जानकारी कभी भी किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकती, इतना ख्याल रखें। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इस कार्य को शीघ्रता से करें, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा शत्रु बन गए हैं और किसी शत्रु की वजह से आपके घर क्लेश या आपके जीवन में बर्बादी हो रही है, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है या आपके जीवन आपकी रिलेशनशिप को कोई ख़राब कर रहा है, तो आप अपने शत्रु को दूर कर सकते हैं, आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। वही शत्रु आपका दुश्मन बन जाएगा या आपके जीवन में ऐसे आपके जीवन से दूर हो जाएगा जैसे वह कभी आपका शत्रु था ही नहीं। उसकी मानसिकता आपके प्रति पलट जाएगी, ऐसे नहीं कर दूंगा उसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन इतना है कि आपके जीवन में वह किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। आप इस कार्य को शनिवार रविवार कर सकते हैं और मंगलवार, ये तीन बार है। मंगलवार जब भी कोई शत्रु वशीकरण होता है वह मंगलवार शनिवार या रविवार की वही होता है। दिशा इसके अंदर दक्षिण रहती है, दक्षिण दिशा की तरफ आसन लगाकर बैठे, स्नान आदि करके निर्वित होकर आपको एक मिट्टी के सरसों के तेल का दीपक चाहिए, एक नींबू, आपको सड़ा सा नींबू लेना है जो पुराना हो, नया नींबू नहीं लेना है। आपको कुछ कीले लेनी है, आलपिन्स 5, यानी कि 5 कीले या 5 आलपिन्स ले लें। आपको एक लाल सिंदूर का घोल तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप अपने शत्रु का नाम लिखें, ठीक है। फिर आप शत्रु का नाम, फिर उसकी उम्र, आयु, कितने वर्ष का है वह, आप अंदाजे से भी लिख सकते हैं। अब आपको इसके ऊपर लिखने हैं हुब, हु और ब, हुब लिख देने हैं। अब इस पे आप लिख दें 11 संख्या, हुबे लिखना है आपको, एक तो हुबे बे है ये, हु और ब, हुबे 11 लिखने, लिख देना। अब आपको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक बाई, घड़ी की सुइयों की दूसरी तरफ, घड़ी की सुइयां इस तरीके से घूमते हैं, आपको इस तरीके से एंटी क्लॉक बाई 11 बार घुमाना है, एंटी क्लॉक बाई घुमा लेना। और उसके बाद आपको एक एक पिन से इसके अंदर दीपक के ऊपर से एक बार घुमाएं और काट दें, घुमाएं और काट दें, घुमाएं और काट दें, इसे 5 ही आलपिन आपको काटनी है, एक एक घुमाकर दीपक के ऊपर से, इस तरीके से आप इसे लाल सिंदूर में रखकर किसी भी, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं 4 रास्ते वहाँ जाकर आप इसे छोड़ना है, बस इतना सा प्रयोग करना है, आपके शत्रु से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए। इसी साथ आपसे जा चाहूँ, धन्यवाद।